तो दोस्तों बहुत ही जल्द आपको Vivo V17 Pro देखने को मिलने वाला है, जो कि आने वाला है डुअल पॉपअप सेल्फी कैमरे के साथ। और साथ ही में दोस्तों यहां पर आपको क्वाड कैमरा का सपोर्ट, स्नैपड्रैगन के 780 का प्रोसेसर, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर का भी सपोर्ट देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों आइए बात करते हैं इसी स्मार्टफोन के बारे में कि क्या कुछ खास देखने को मिलने वाला है इसी स्मार्टफोन में, और क्या होने वाला है इसकी प्राइसिंग, और कब तक इसी स्मार्टफोन को इंडिया में लॉन्च किया जाएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं इस स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशन से। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाला है डुअल पॉपअप सेल्फी कैमरा, जिसका प्राइमरी कैमरा होने वाला है 48 मेगापिक्सल्स का, और उसके साथ ही दोस्तों यहाँ पर आपको 13 मेगापिक्सल्स का एक और कैमरा देखने को मिलने वाला है। बात करें दोस्तों स्मार्टफोन की बैक साइड की, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाला है क्वाड कैमरा, जिसका प्राइमरी कैमरा होने वाला है 64 मेगापिक्सल्स, सैमसंग GW1 का सेंसर, और उसके साथ ही दोस्तों यहाँ पर आपको 13 मेगापिक्सल्स का एक वाइड एंगल लेंस, 8 मेगापिक्सल्स का एक टेलीफोटो लेंस और 2 मेगापिक्सल्स का एक डेप्थ सेंसर देखने को मिलने वाला है। बात करें दोस्तों स्मार्टफोन की डिजाइन की, तो बैक का डिजाइन होने वाला है बहुत ही बेहतरीन ग्लोसी ग्रेडिएंट फिनिश, जो कि आने वाला है प्लास्टिक बॉडी के साथ, जैसा कि Vivo V15 Pro में हमें ऑलरेडी देखने को मिल चुका है। बात करते हैं दोस्तों स्मार्टफोन की फ्रंट साइड की, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाला है 6.59 इंच का एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले, जो कि आने वाला है एक इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ, और दोस्तों साथ ही में स्मार्टफोन में आपको एक फुल व्यू डिस्प्ले देखने को मिलने वाला है। वहीं बात करें दोस्तों स्मार्टफोन की प्रोसेसर की, तो दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाला है स्नैपड्रैगन के 730 का प्रोसेसर, जो कि बहुत ही बेहतरीन प्रोसेसर है और बहुत ही दमदार परफॉर्मेंस देता है इस स्मार्टफोन में। अब बात करते हैं दोस्तों स्मार्टफोन की बैटरी की, तो दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाला है 5000 mAh की बैटरी, जो कि आने वाला डुअल इंजन फास्ट चार्जिंग के सपोर्ट के साथ, जो कि आपके फोन को 13 मिनट के अंदर ही 50% से ज्यादा चार्ज कर देगी। और साथ ही में दोस्तों इस स्मार्टफोन के बॉक्स में आपको 22.5 वाट का एक फास्ट चार्जर देखने को मिलने वाला है। अब फाइनली बात करते हैं दोस्तों स्मार्टफोन के ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाला है एंड्रॉइड पाई का सपोर्ट आउट ऑफ द बॉक्स, जो कि फ्रंट टच ओएस के साथ आने वाला है। बात करते हैं दोस्तों स्मार्टफोन की प्राइसिंग और रिलीज डेट की, तो दोस्तों इस स्मार्टफोन का जो बेस वेरिएंट होने वाला है 6GB रैम, 128GB इंटरनल स्टोरेज, उसकी प्राइसिंग आपको देखने को मिलने वाला 25,000 to 26,000 rupees के करीबन। बात कर रहे हैं इस स्मार्टफोन की रिलीज डेट की, तो इस स्मार्टफोन को दिवाली से पहले इंडिया में रिलीज किया जाएगा। दोस्तों यही थी स्मार्टफोन के बारे में कुछ कंफर्म स्पेसिफिकेशन, जो ऑलरेडी कंफर्म हो गई है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको इस स्मार्टफोन का स्पेसिफिकेशन, हमें कमेंट करके बता दीजिएगा। और दोस्तों फाइनली आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्माइल एंड हैव अ ग्रेट डे।